नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रैपिड आपकी फायर सीरीज में। इस बार हिंदी में हम लोग टॉपिक ले रहे हैं पर्यायवाची, क्योंकि एक से दो प्रश्न आपके 100% पक्के हैं, यहां से पूछे ही पूछे जाएंगे। इनमें से भी वह प्रश्न आपके ज्यादातर रिपीट होते हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की पूछे गए, तो उन्हीं का एक संक्षिप्त आपका एक जगह पर आपका पूरा का पूरा ठीक है पूरी तरीके से उनको तैयार करके आपके सामने पेश किया जा रहा, उसको धीरे धीरे ठीक है चखते जाइए, मजा लेते जाइए और मन में अपने बिठाते जाइए। तो चलिए देखते हैं पर्यायवाची से संबंधित आपके प्रश्नों को, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची बनता है। इसमें से आपसे पूछा है कुबेर के पर्याय के विषय में। अगर इसमें से हम बात करते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कुबेर का पर्याय कौन सा बनेगा, तो आप सारे लोग जानते हैं कुबेर का जो पर्याय बनता है वह पर्याय इसमें से कह रहा कि कौन सा नहीं है। धनपति है, किन्नरपति है, यक्ष, ये तीनों पर्याय है, मुनि शब्द कुबेर का पर्याय नहीं है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा कि तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, शर, सर का अर्थ क्या होता है, बाण, बाण यानी तीर होता है। तीसरा प्रश्न कह रहा कि हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द होता है, हेरम्ब भगवान गणेश को बोलते हैं, विनायक को हेरम्ब कहा जाता है, बी विकल्प इसमें से सही जवाब बनेगा। चौथा कह रहा राकापति किस शब्द का पर्यायवाची, राकापति, राकापति की जब हम बात करते हैं तो ये चंद्रदेव को बोला जाता है, ठीक है, भगवान चंद्रमा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अगर इसमें से मैं सही विकल्प की बात करूं तो धनंजय, पार्थ, कौंतेय, ये सभी शब्द क्या होते हैं, अर्जुन के पर्याय बनते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। अग्नि के पर्यायवाची की अगर मैं इसमें से बात करूं तो वैश्वान जो है नर जो शब्द होता है यह अग्नि का पर्याय होता है। सात प्रश्न आपसे कह रहा कि अरण्य का पर्यायवाची क्या है। इसमें से अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, और जंगल में को हम क्या बोलते हैं, कानन बोलते हैं, तो ये भी कल सही है। अगला प्रश्न आठ कह रहा अभिजात का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या बनेगा। अभिजात की जब हम बात करते हैं अभिजात का अर्थ होता है कुलीन, कुलीन का अर्थ क्या होता है, संभ्रांत होता है, ठीक है, डी सही होगा। नौ नंबर कह रहा कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची शब्द है। नौका के पर्यायवाची की बात करते हैं तो पोत शब्द इसमें से नौका का पर्याय बनेगा। दस नंबर कह रहा कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। सांप के पर्याय की जब हम बात करेंगे तो इसमें भाई अह भी है, आभोग भी है, गोकर्ण भी, यानी सभी के सभी शब्द इसमें से सांप के पर्याय दिए हैं। ग्यारह नंबर कह रहा कि कौन सा असंगत या बेमेल शब्द का चयन करना है। दुर्गम दिया है, कठिन दिया है, विकट दिया है, कोदंड दिया है, तो कोदंड शब्द इसमें से अलग है, बाकी शब्द के सब आपके दुर्गम, कठिन, विकट तीनों एक ही शब्द को निरूपित करते हैं। अगला बारह नंबर दिया है, बारह नंबर कह रहा है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। दुर्गा का पर्याय क्या होता है, मीनाक्षी होता है, ठीक है, दुर्गा का पर्याय क्या होता है, मीनाक्षी होता है। तेरह नंबर कह रहा है कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है। तो चांदी के पर्याय की जब हम इनमें से बात करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, हिरण जो होता है चांदी का पर्याय नहीं होता, बाकी रजत, रूपक, रौप ये सब चांदी के पर्याय है। अगला प्रश्न चौदह कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं। तो जब हम बात करते हैं सुरेश और मार्तंड, ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो चंद्रमा के पर्याय नहीं होते हैं। पंद्रह नंबर कह रहा सची पति किसका पर्याय है। सची के जो पति हैं, सची के पति की जब हम बात करते हैं तो इंद्र को सची के पति के तौर पर जाना जाता है। सोलह नंबर कह रहा अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इनमें से जब हम अमृत के पर्याय की बात करते हैं तो भाई शशि, शशि चंद्र का पर्याय बन जाता है। अगला प्रश्न कह रहा कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सत्रह में जब हम बात करते हैं भाई धरा है, अचला है, धरती है, सुधाकर पृथ्वी का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न अठारह कह रहा पीला शब्द के उचित पर्यायवाची का चयन करिए। पीला शब्द का उचित पर्यायवाची इसमें से पिंगल बनेगा, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा रात्रि का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो रात्रि के पर्याय में जब हम बात करेंगे छणदा, यामिनी, विभावरी, चपला, बिजली का पर्याय होता है, रात्रि का नहीं। बीस नंबर कह रहा कि कौन सा शब्द बुद्ध का पर्यायवाची नहीं। बुद्ध के पर्यायवाची की जब हम इनमें बात करेंगे तो दीपाक्षर की जब बात होती है तो यह बुद्ध शब्द का पर्याय नहीं होता है। 21 नंबर कह रहा है कौन सा शब्द समूह तालाब शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। इनमें से हमें तालाब शब्द के जो है उसको पता करना है कि कौन सा इसमें से तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो 21 में जैसे सरिता नदी का हो गया, हिम सागर, ये तीनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है सेना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। भाई चमू भी है, अनिकनी भी इसमें दिया है, ठीक है, तो ये दो तो सेना का पर्याय है। तीसरा दिया है अनिक, अनेक शब्द की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें सेना के पर्यायवाची को नहीं पूछा है, सेना का पर्याय पूछा है, कौन सा सेना का पर्याय नहीं है, ठीक है, हाँ चमू, दल, अनेकनी, ठीक है, ये सी वाला आपका नहीं बनेगा।
उसके बाद जब हम नहीं सी तो बनेगा नहीं तो बोलते ये डी परिमल जो है सेना का कहीं से भी पर्याय नहीं बनता। 23 कह रहा कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भाई चंचला बिजली का पर्याय है, दामिनी की बात करते हैं बिजली का पर्याय है, उसके बाद जब हम बात करते हैं तड़ित बिजली का पर्याय है, तटनी जो होता है यह बिजली का पर्याय नहीं होता है, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, भाई रश्मि अंशु कर तीन शब्द यहां पर दिए हैं तो ये तीनों के तीनों किरण के पर्यायवाची हैं, लेकिन चौथा शब्द क्या दिया है पोलिन, पोलिन शब्द किरण का पर्याय नहीं है। अगला दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है, चंदन का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से अगर मैं सही विकल्प की बात करूं तो भाई मलयज ठीक है चंदन का पर्याय है, दारुसार भी है, गंधराज भी है, यानी नौ शब्द चंदन का पर्याय नहीं। 26 नंबर क्या कह रहा है गच्छ गाछ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अगर गाछ के पर्यायवाची की बात करें तो विटप ठीक है, विटप यानी जो है पेड़ वृक्ष, इन्हीं को आप जो है हम विटप के तौर पर जानते हैं, इन्हीं को गाछ कहते हैं। अगला कह रहा बिडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है, बिडौजा की जब हम बात करें तो इंद्र का पर्याय होता है बिडौजा। 28 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना के लिए पर्याय नहीं, अगर रचना के लिए पर्याय की बात करो अरुण शब्द सूर्य का पर्याय होता है, यह रचना का पर्याय है ही नहीं। 29 कह रहा है कौन सा शब्द भौंरा का पर्यायवाची, इसमें से पूछा है कि भौंरा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो भौंरा का पर्यायवाची इसमें से भृंग बनेगा। 30 नंबर क्या कह रहा है कि झुकाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से, तो भाई झुकाव मतलब रुझान किधर है, झुकाव किधर है, रुझान बोलते नहीं है। 31 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, पावक होगा। 32 कह रहा वैभव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो वैभव की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीनों के तीनों महत्ता शक्ति ऐश्वर्य सभी के सभी वैभव के पर्याय है। 33 नंबर आपसे कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, मेघ है, वारिद है, जलद है, जलद ही समुद्र का पर्याय हो जाता है। अगला कह रहा है कि सही समानार्थक युग्म कौन सा है, तो इसमें से जब हम बात करेंगे अश्व घोटक ठीक है ही है, उद्यान पेड़ नहीं है, चलहिम नहीं, यही ये सही हो जाएगा। 35 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है खल शब्द का पर्यायवाची दुर्जन को बोलते हैं, खल है ठीक है, दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं। इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, तो इंद्र के पर्याय में जब हम बात करेंगे भाई सुरपति देवताओं के पति है ही है, देवेश है, देवताओं के ही से सुत्रामा भी है, सभी के सभी इंद्र के पर्याय है। हवा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, तो हवा का पर्याय भाई समीर हवा का पर्याय होता है। 38 कह रहा है जलधर शब्द का अर्थ नहीं है, तो 38 में जब हम बात करेंगे तो जलधर बादल सरोवर समुद्र तीनों है, मोती इसका अर्थ नहीं होता है। अगला 39 कह रहा दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञान करिए, मीन मीन के पर्याय की जब हम बात करते हैं तो मत्स्य होता है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जुन्हाई कौमेदी ज्योत्सना अन्नपूर्णा चांदनी का पर्याय कहीं नहीं है। 41 नंबर कह रहा कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है, 41 में जब हम बात करें तो भाई अंतहीन होगा, आकाश होगा, शेषनाग होगा, आशा नहीं होगी। 42 कह रहा आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसमें से आसमान का पर्याय बनेगा व्योम, व्योम शब्द आसमान का पर्याय होता है। 43 कह रहा कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से शिव का पर्यायवाची अंतक होता, सोमेश्वर होता, कामारी होता, विशिक शब्द शिव का पर्याय नहीं। 44 नंबर क्या कह रहा है कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई चंचला ठीक है, इंदिरा अमला सब है, भारती शब्द लक्ष्मी का पर्याय कहीं से नहीं। 45 कह रहा कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है, स्वाधीनता के पर्याय भाई संप्रभुता ठीक है, स्वच्छंदता, आत्मनिर्भरता, ये चीजें दी है। स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता इसमें से बनेगा, सबसे उत्तम शब्द इसमें क्या बनेगा, स्वतंत्रता बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं, कसक के पर्यायवाची की तौर पर जब हम बात करें तो भाई पीड़ा दुख दर्द होगा, विवाद कसक का पर्यायवाची नहीं। 47 कह रहा इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से जब हम बात करेंगे अग्रणी सरदार मुखिया ये तीनों धनाढ्य शब्द अगुआ का पर्यायवाची नहीं। 48 कह रहा चोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें से जब हम बात करते हैं तुरंग, तो तुरंग शब्द चोर का पर्यायवाची नहीं होता है। 49 आपसे क्या कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है, भाई अय भी है, आभोग भी है, गोकर्ण भी है, सारे के सारे सांप के पर्यायवाची। 50 कह रहा विषय शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, विषय की जब हम बात करते हैं तो विषय मतलब लक्ष्य भी है, क्षेत्र भी है, इंद्रियजन आनंद भी है, मतलब इसमें उपरोक्त सभी बनेगा, यानी भी सही होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज के लिए लगातार चैनल पर मिलते रहिए, मुझसे मुलाकात करते रहिए, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया दिल से कमेंट करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली सीरीज में ऐसे ही दमदार टॉपिक के साथ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।